आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी जिस ऐतिहासिक घटना के आप लोग साक्षी बने हो, इसके बारे में मैं कुछ संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। आज भारत सरकार, असम सरकार और आपसू, एनडीएफसी एफबी प्रोग्रेसिव, एनडीएफबी रंजन देमारी, एनडीएफबी एस, इसके बीच में एक एग्रीमेंट जिस पर सबने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें हमारे हंगामा का भी सिग्नेचर है। ये एग्रीमेंट असम और बोडो क्षेत्र के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज है, क्योंकि सन 1972 से आपसू द्वारा एक पृथक बोडो राज्य की मांग उठाई गई। शुरुआत में ये आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से चला। 1987 से ये आंदोलन हिंसक बना और सभी तरीके से ये पूरे क्षेत्र को अशांति से ग्रस्त कर आंदोलन रहा। बोडोलैंड आंदोलन में अब तक 1829 नागरिक मारे गए हैं, 2823, लगभग 3000 के करीब, 2900 के करीब नागरिक मारे गए हैं, 239 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और बोडो कैडर के अलग अलग 939 कैडर के इनके लोग मारे गए हैं। कुल 4,007 लोगों ने ये आंदोलन में अपनी जान इतने सालों से गवाई है। आज आपसू ने जो आंदोलन शुरू किया था, आज इसके सभी महत्वपूर्ण घटकों ने एक साथ समझौते पर साइन कर जो 2003 में समझौता हुआ था, एक इसका एक अगला एक्सटेंशन कर हमेशा के लिए इस समस्या का समाधान आज मोदी जी के नेतृत्व में आया है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के लोग एक प्रकार से अपने आप को कटा हुआ महसूस करते थे। मोदी जी ने हर महीना, हर 15 दिन हर एक राज्य में एक केंद्रीय मंत्री जाए, वहां से शुरू कर हर राज्य की राजधानी को रेलवे से, एयर कनेक्टिविटी से, बहुत सारे ब्रिजेस, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, बहुत सारे जल विद्युत के काम, बहुत सारे युवाओं को पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस खड़े हो, इस प्रकार के काम, और बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के समग्र क्षेत्र की आरोग्य की सुविधाओं के काम करें। तो जो नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने, सबका साथ सबका विकास, और अब इसके साथ सबका विश्वास जोड़कर ये पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को एक अशांति से बाहर लाने का, अस्थिरता से बाहर लाने का एक प्रयास हुआ है। कुछ समय पहले त्रिपुरा के हथियारी ग्रुपों के साथ समाधान हुआ था, इसके बाद में ब्रू रियांग, जो एक बहुत बड़ा इरिटेटिंग पॉइंट था, उसका भी परमानेंट सॉल्यूशन आया, उनको त्रिपुरा में ही बसाया गया। उसके बाद में असम के अंदर लगभग अलग अलग 13 ग्रुपों के 644 हथियारी ग्रुपों ने 3000 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया और आज केंद्र सरकार, असम सरकार, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल और इसके साथ जिन्होंने बहुत सहयोग किया है, ऐसे आपसू, एनडीएफपी गोविंदा बासुमतारी घटक, एनडीएफपी धीरेन्द्र बोडा घटक, एनडीएफबी रंजन डायमारी घटक, एनडीएफबी साइगारा घटक और यूनाइटेड बोडो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे 9 संस्थानों ने साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया है। मैं मानता हूं कि ये एग्रीमेंट बोडो क्षेत्र के लिए और असम के लिए एक बहुत विकास का रास्ता प्रशस्त करने वाला एग्रीमेंट होने जा रहा है और इसके साथ असम के अंदर भी जो इरिटेशन था कि कभी न कभी असम का विभाजन होगा, आज
आसाम अखंड रहकर अपने साथियों को महत्व देकर उनको भी विकास की धारा में शामिल कर उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनके अधिकारों को सुरक्षित कर एक अखंड आसाम आज से सब लोग फील कर रहे हैं, इसका मुझे बहुत आनंद है। जो समझौते के मुख्य बिंदु है मैं आपको बताना चाहता हूं, करीब 1550 हथियारी कैडर का 130 हथियारों के साथ देश की मुख्य धारा में शामिल होना ये एग्रीमेंट के साथ ही संभव हो जाएगा। और 30 जनवरी को पूज्य बापू की स्मृति में ये सभी लोग सरेंडर भी करेंगे और हथियार शासन के सामने सरेंडर करेंगे। NDFBP, NDFBRD, NDFBS का देश के मुख्य धारा में होना आना, मैं इसका हृदय से देश के गृह मंत्री नाते स्वागत करता हूं और उनको भरोसा दिलाता हूं कि भारत सरकार, असम सरकार और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल ने जो वादे किए हैं वो सारे वादे एक सीमित समय मर्यादा के अंदर पूरे होकर आपके विकास का रास्ता जरूर प्रशस्त होगा। बोर्डर क्षेत्रों के विकास के लिए समझौते के तहत 3 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए के विकास के पैकेज, जिससे विशिष्ट परियोजना आने वाले समय में क्रियान्वयन में लाई जाएगी। इस समझौते से BTC के एरिया और अधिकार, उनके क्षेत्र और अधिकार में भी बढ़ोतरी होगी। BTAD के बाहर रहने वाले बोडो संबंधित विषयों को ध्यान देने के लिए और उनके व्यक्तिगत कल्याण के लिए भी इस पर चिंता की जाएगी। बोडो समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई विषयों को सुरक्षित किए जाएंगे। जनजातियों के भूमि अधिकारों का भी संरक्षण किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए भारत सरकार की निगरानी में हम एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाएंगे। NDFB के कैडर्स का समग्र रिहैबिलिटेशन हो, इसके लिए आसाम सरकार और भारत सरकार संपूर्ण सहानुभूति के साथ उनके साथ रहकर पूरे कैडर के रिहैबिलिटेशन के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार BTC को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव व फाइनेंशियल पावर व आंतरिक विषय दिए जाने के लिए कदम उठाएगी। 125वें संविधान संशोधन द्वारा BTC की वित्तीय व प्रशासनिक सुधार शक्तियों में सुधार भी किया जाएगा। उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के नाम पर कोकरोजार में एक सांस्कृतिक परिसर की स्थापना भारत सरकार और आसाम सरकार दोनों मिलकर करेंगे। वो एक लंबे समय तक, दशकों तक बोडो संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेगी। BTAD में एक नए DIG के पद का भी सृजन करने के लिए भारत सरकार ने सहमति दी है और बोडो आंदोलन में मारे जाने वाले व्यक्ति के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी भारत सरकार ने इसमें सहमति दी है। मैं आज भारत सरकार की ओर से आसाम सरकार, नेडा के अध्यक्ष हेमंत विश्व शर्मा, हमारे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल जी, अंग्रामा जी और सारे संगठन के सभी पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं और उनको अभिनंदन भी करता हूं कि मोदी जी की अपील पर आपने ये जो कदम उठाया है वो कदम एक लंबे समय तक बोडो क्षेत्र के विकास के लिए और आसाम के भी विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है और ऐतिहासिक काम आज जो आप सब ने एक कोऑपरेशन की भावना से किया है, इसके एग्रीमेंट के फुल स्टॉप कोमा में हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिर से एक बार सभी का धन्यवाद कर मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।